आपका हमारे चैनल न्यूज़ ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं जब छोटा था तो एक चुटकुला सुना करता था कि एक पंखा बेचने वाला बस स्टॉप पर गरीब लड़का पंखा बेच रहा था ताकि हवा चले तो पसीने में, वहां गर्मी बहुत होती है हिंदुस्तान में। तो एक बेचने आया, वो कहता है 1 रुपया होगा। दूसरा आया, वो कहता है 8 आना होगा। तो लेने वाले का मन करता है या रुपये वाला क्यों ले, 8 आने वाला ले। तीसरा आया, साहब 4 आने में होगा। तो उसने कहा अच्छी तो ज्यादा अच्छा है, तो उसने 4 आने वाला ले दिया और 3-4 बार किया, टूट गया। तो वो बस तो अभी चली नहीं थी, उसको पकड़ा, यार तुम पंखा दे के गए थे। तो बोले मैंने इसे थोड़ा कहा था, इसका तो तरीका ये था पंखा ऐसे पकड़ो और मुंडी हिलाओ, तुम पंखा हिला रहे हो तो टूट ही जाएगा। आपको बाजार में ऐसे मशीन बेचने वाले बहुत मिलेंगे जी, ऐसा बढ़िया वर्णन करेंगे, ऐसा बढ़िया बताएंगे कि देखिए ये मशीन ऐसा है, इतना ताकतवर है। और अगर उसका पूरा साइकिल देखेंगे बैरन टायर का, तो शायद उस मशीन को साल भर में रिपेयरिंग करते 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 6 महीने तो कारखाना बंद रहेगा, क्योंकि रिपेयरिंग करने वाला भी उस देश से बुलाना पड़ेगा और वो भी कुछ कमा करके चला जाएगा। कभी कभार आज बहुत जल्दबाजी करने वाली एक पीढ़ी है जो इससे मोहित हो जाती है। और मैं राष्ट्रपति जी से कल से मिला हूं, वो मुझे एक ही बात बता रहे हैं कि मोदी जी कुछ करो या ना करो, आप एक काम पर बल दो। मैंने कहा क्या? वो बोले कि हिंदुस्तान से मुझे मशीन्स दो, हमारे लोग मेहनत करेंगे, हमें हिंदुस्तान से आधुनिक मशीन चाहिए। और उन्होंने कहा मुझे हिंदुस्तान के मशीन पे ज्यादा भरोसा है और मुझे चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाने आया कि 0 डिफेक्ट के साथ और यहां की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उस टेक्नोलॉजी आपको देने के लिए तैयार है, वो मशीन देने के लिए तैयार है जो उसका, हां शुरू में वो महंगे होते हैं, कोई चिल्लाएगा भी, देखो ये ऐसा सरकार है, एक ऐसा देश है, वहां से तो इतने में मिलता था, यहां से इतने में मिला, लेकिन वो वैसा ही पंखा है जी। पंखा हिलाना कि मुंडी हिलानी है।